नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो में आपको एसएससी जीडी एग्जाम 2019 के लिए कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको अलग अलग सब्जेक्ट जीके, इसके बाद में रीजनिंग, मैथ और हिंदी, सभी के अलग अलग ऐसे टॉपिक्स बताएंगे जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा आ रहे हैं। अगर दोस्तों आप पूरा सिलेबस न पढ़ के इन टॉपिक्स को भी पढ़कर जाते हैं तो भी दोस्तों आपका सिलेक्शन एसएससीजीडी में हो सकता है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पूरी जानकारी। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम आपको बता दें, हमने जो हमारी ई बुक लॉन्च की थी एसएससीजीडी की जीके की 500 प्लस अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अगर आपने ई बुक नहीं खरीदी तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। ये ऑनलाइन आपको पीडीएफ मिल जाएगी मात्र 25 रुपए में। जीके के अधिकांश क्वेश्चन उसमें से इस बुक के अंदर से आ रहे हैं। अब दोस्तों हम अलग अलग सब्जेक्ट की बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपकी जीके की ही बात कर लेते हैं कि आपके जीके में सबसे ज्यादा किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताते हैं, आपको इन्हें जरूर जरूर पढ़ना है। देखिए दोस्तों, आपको एक तो है संविधान सभा। जी हां दोस्तों, संविधान सभा के बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, इसके अलावा संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, इससे संबंधित दोस्तों जो भी क्वेश्चन है वो सभी आपको याद करने हैं। दूसरा दोस्तों आपका है एशियाई खेल। दोस्तों जो हाल ही में एशियाई खेल हुए थे, आपको उनसे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं, भारत ने कितने मेडल जीते, इसके अलावा किस खेल में किसने मेडल जीता, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एशियाई खेलों के, वो आपको पढ़ने हैं। अगर आपको एक जगह चाहिए तो आप गूगल कर सकते हैं या आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। अब देखें दोस्तों, इसके बाद में सभी राज्यों की राजधानी, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी राज्यों के राज्यपाल, इन तीनों टॉपिक्स को भी आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। देखें दोस्तों, आपने देखा होगा एसएससीजीडी की जो अब तक एग्जाम्स हो चुके हैं उनमें बहुत सारे राज्यों की राजधानी पूछी गई है और मुख्यमंत्रियों का नाम भी पूछा जा रहा है। और दोस्तों ये जो आपकी टीसीएस कंपनी है आपकी एग्जाम करवा रही है, ये देखिए राज्यों के मुख्यमंत्री और राजधानी पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है। इस प्रकार से आप आरपीएफ की एग्जाम देखें, आरपीएफ की एग्जाम भी इसी कंपनी ने करवाई थी और उसमें भी राज्यों की राजधानी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल से काफी क्वेश्चन आए, लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ ही जा रहा था। तो दोस्तों एसएससीजीडी में भी सेम ऐसा ही हो रहा है, राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राजधानी आपको अच्छी तरह से रटने हैं। इसके अलावा दोस्तों सभी राज्यों के लोक नृत्य और दोस्तों यहां पर देश में जो महत्वपूर्ण नदियां और बांध हैं, इनकी सबसे बड़ा बांध, सबसे लंबा बांध, सबसे ऊंचा बांध, इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण बांधों से और नदियों से जो क्वेश्चन बनते हैं वो दोस्तों आपको याद रखने हैं। और नदियों से इस प्रकार से कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है, ये भी आपको दोस्तों याद करना होगा। अगर दोस्तों आपने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा और आप ये टॉपिक्स पढ़ के जाते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एक दोस्तों लोक नृत्य की बात करें तो सभी राज्यों के जो लोक नृत्य हैं वो आपको याद रखने होंगे। इसके अलावा दोस्तों यहां पर देखिए अनुच्छेद, संविधान की बात करें तो संविधान में आपका एक तो संविधान सभा से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं और दूसरा दोस्तों आपके अनुच्छेदों से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। आरपीएफ के एग्जाम में भी काफी ज्यादा अनुच्छेदों के क्वेश्चन आए, एक एक एग्जाम में तो अनुच्छेदों से 4 से 5 क्वेश्चन भी आए थे। तो दोस्तों देखिए अनुच्छेदों के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रही है टीसीएस कंपनी, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन सभी को आपको याद करना है। हो सकता है आप जो अनुच्छेद पढ़े वही एग्जाम में आ जाए। इसके बाद में दोस्तों देखिए बात करते हैं अब अगले सब्जेक्ट की, जीके में जो हमने आपको बताया, अगर आप इनके ऊपर फोकस करते हैं तो आप यकीनन अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जीके का पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप हमारी ई बुक खरीद सकते हैं। अब देखिए दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं हिंदी की। दोस्तों हिंदी की बात करें तो हिंदी में तो सीधा सा अर्थ है, इसके अलावा कुछ भी आपको पढ़ने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, दिमाग खराब करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए दोस्तों पर्यायवाची शब्द हर पारी में आ रहे हैं 4 से 5, विलोम शब्द हर पारी के अंदर आ रहे हैं 4 से 5, लोकोक्ति और मुहावरे हर पारी के अंदर आ रहे हैं 4 से 5, इसके बाद में दोस्तों समास हर पारी में 1 से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप सभी को जोड़ें तो लगभग 20-22 क्वेश्चन तो यही हो गए, इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन आपके जो अन्य टॉपिक बचे हैं उनसे आ रहे हैं। तो दोस्तों आपको जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं वो, इसके अलावा विलोम शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, इन 4 टॉपिक्स को तो अच्छी तरह से याद करना है। इनमें जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनके मुहावरे याद कर लो, उनकी
ठीक है, उनके विलोम शब्द याद कर लो, पर्यायवाची शब्द याद कर लो। इसके अलावा दोस्तों अब हम देखें आगे चलने रीजनिंग और मैथ के ऊपर। तो दोस्तों रीजनिंग और मैथ में वैसे तो देखिए कोई आपका फिक्स नहीं है कि यह सिलेबस सबसे ज्यादा आ रहा हो, लेकिन दोस्तों फिर भी रीजनिंग और मैथ में आपको जिस प्रकार से एक है दर्पण प्रतिबिंब और एक जल प्रतिबिंब, इनके ऊपर अच्छे से ध्यान देना है। कोडिंग और डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, इसके अलावा दोस्तों आपके जो नॉर्मल सभी टॉपिक्स हैं उन सभी से लगभग बराबर ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि एक पेपर में आपके अधिकांश क्वेश्चन एक ही टॉपिक्स में से आ गए। मैथ और रीजनिंग आपके मॉडरेट हैं, इसमें कोई एक टॉपिक ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एक पेपर में आ रहा हो। लगभग सभी टॉपिक्स से थोड़े थोड़े क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको सभी टॉपिक्स को ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा। देखिए दोस्तों ये तो जानकारी हमने आपको दी है, एग्जाम में आपको बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। यहां पर दोस्तों अगर आप एग्जाम से पहले अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं और इन टॉपिक्स को भी पढ़ के जाते हैं तो भी आप यकीनन एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, और अगर आपने इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ा तो यकीनन आपका स्कोर एग्जाम में अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये टॉपिक्स आपके बहुत ज्यादा मात्रा में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए इस वीडियो में इतना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप चैनल के ऊपर नहीं हो और एसएसजीडी की तैयारी करना चाहते हैं, चैनल के ऊपर नहीं हो और एसएसजीडी की एग्जाम आप दे चुके हो, तो वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहां पर आपको एसएसजीडी से जुड़ी पल पल की अपडेट सबसे पहले उपलब्ध करवाई जाती है। आपके एग्जाम किस तारीख को है, आपकी एग्जाम हो चुकी है या नहीं, ये बात आप कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी जानकारी को प्राप्त कर सके। ई बुक खरीदने का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट में दिया गया है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।